श्री बाबूलाल महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई के विशेष शिविर के छठवें दिन इकाई ने आर्डिंग में रैली निकाली, जिसका शुभारंभ सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापक ब्रजेंद्र शर्मा एवं लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल के प्रबंधक महेंद्र सिंह यादव द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जहां ब्रजेंद्र शर्मा जी ने कहा, यदि भारत के बच्चे इसी तरह राष्ट्र सेवा में समर्पित रहें तो भारत पुनः विश्व गुरु बन पाएगा। महेंद्र सिंह यादव ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, आप अपने जीवन में सदमार्ग पर चलें और उन्नति प्राप्त करें। संपूर्ण अडिंग कस्बे में जन जागरूकता रैली के साथ स्टिकर लगाए गए, जो नागरिकों को हेलमेट पहनने के लिए, बेटियां बचाने के लिए प्रेरित करते हैं। ग्रामीणों में देवेंद्र शर्मा, अशोक कुमार, देवेंद्र सिंह, राजकुमार सिंह, ओंकार आदि ने रैली की जमकर तारीफ की। विद्यार्थियों ने लोगों से बात की और शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए हाथों में तख्तियां लेकर संपूर्ण कस्बे में घूमे। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर धीरज कौशिक के द्वारा किया। अतिथियों का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। महाविद्यालय की शिक्षा समन्वयक लक्ष्मी नारायण शर्मा द्वारा सभी का स्वागत किया। प्रधान अध्यापकों में राज कपूर वर्मा, जयप्रकाश सिंह, उत्तम देवना, शकील अहमद, डॉक्टर कैलाश साक्षी, पांडे उमा कुमारी, डॉक्टर ब्रजकिशोर, अनीता कुमारी आदि संख्या में मुख्य रूप से उपस्थित रहे। गोवर्धन सिंह तेज शर्मा की रिपोर्ट। सर, जन जागरूकता रैली आपने निकाली है अडिंग में, उसके बारे में कुछ बताइए। आज NSS के कैंप में हम छठवें दिन अडिंग में थे, जहाँ पे हमने जन जागरूकता रैली को निकाला था और स्टिकर भी लगाए थे, ताकि सभी दीवारों पे घर घर जाकर हमने उनको लगाया था प्रत्येक द्वार पर, ताकि लोग उनको पढ़ें और जागरूक हों, जिसमें हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पर्यावरण से संबंधित एक वृक्ष पुत्र के समान, और ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे की थी और लोगों के अंदर देखा हमने, वहाँ पे काफ़ी उत्साह था और वहाँ के जो लोग थे उन्होंने हमको काफ़ी योगदान दिया और हमारे इन कार्यक्रम को काफ़ी लोगों के द्वारा वहाँ पे सराहा गया था।